किसी भी फसल के किसान के खेत से निकलकर हमारे आपके इस्तेमाल में आने के बीच उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिनमें से सबसे अहम चरण है उसका गोदाम में जाना। लेकिन गोदाम में जाने के लिए पहले उस फसल को बोरियों में पैक किया जाता है और फिर वहां से मिलर या प्रोसेसर के पास पहुंचने के लिए उसे उन बोरियों से निकाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर समय और बारदाने की बर्बादी होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बर्बादी को रोका जा सकता है? यह सचमुच एक महत्वपूर्ण सवाल है, केवल इसलिए नहीं कि इसमें समय और संसाधन की बर्बादी होती है, बल्कि इसलिए भी कि हमारे मजदूरों के गिरते जीवन स्तर का असर उनके स्वास्थ्य और उनकी क्षमता पर भी पड़ने लगा है। वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग बताते हैं कि पहले जहां मजदूर 80 किलो तक की बोरियां चढ़ाने उतारने का काम आसानी से कर लेते थे, अब 60 किलो की बोरियों में ही उनका दम उखड़ने लगता है। बोरियों पर बोरियां चढ़ाकर स्टैकिंग करने का काम जहां पहले मजदूर करते थे, अब इसके लिए विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ने लगी है। और ऐसे में ये इंडस्ट्री शिद्दत से किसी ऐसी तकनीक का इंतजार कर रही थी जो मजदूरों पर उसकी निर्भरता घटा सके। मैन पावर मिलना आज के टाइम पे बहुत बड़ा जो है माइनस पॉइंट होता जा रहा है इंडस्ट्री का, कि लेबर हमें मिल नहीं पाती सीजन के टाइम पे और वो माल उतर नहीं पाता, वो माल पार्क होता मतलब मंडी में पड़ा रहता है या पार्क में पड़ा मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो जो है वो साइलो के अंदर हाथों हाथ जाके और स्टोरेज उनमें जा रहा है। और कभी कोई भी जैसे बरसात आ जाती है, अब बरसात आ जाती है तो बरसात में वो माल खुला पड़ा रहता है तो भीग जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट किसान का माल आ रहा है और हाथों हाथ जाके और साइलोज में जा रहा है, तो वो कमोडिटी का जो नुकसान होने की संभावना है वो खत्म होती जा रही है। इन बेहतरीन फायदों के बावजूद देश में साइलो गोदामों का प्रचलन अब भी अपने शुरुआती चरण में ही है। हालांकि बहुत से प्रोसेसर और मिलर निजी तौर पर अपना माल साइलो वेयरहाउस में ही रखते रहे हैं, लेकिन एक वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर स्टार एग्री देश का पहला और अब तक का एकमात्र WSP है जिसने राजस्थान के कोटा में 4,000 टन क्षमता के 4 साइलो वेयरहाउस का निर्माण किया है। इन गोदामों के तकनीकी पहलुओं के विशेषज्ञ शुभम चौहान बताते हैं कि पारंपरिक वेयरहाउस के मुकाबले इनमें कमोडिटी के रखरखाव से लेकर उनकी देखभाल तक सब कुछ ज्यादा आसान और सस्ता है। हमारी साइलोज हैं, जो साइलोज के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर 12 जगहों पे 12 अलग अलग जगहों पे सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे हम इनका टेम्परेचर देखते हैं कि साइलोज में टेम्परेचर हमारा कितना है। समय समय पे हम टेम्परेचर को देख के हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर जो टेम्परेचर ज़्यादा है तो साइलोज में ब्लोअर लगे हुए हैं जो कि हवा से हम कमोडिटी को ठंडा कर देते हैं। तकनीकी तौर पर सक्षम होने के बावजूद इन गोदामों की कुछ सीमाएं भी हैं। पारंपरिक गोदामों में रखे जाने के लिए जब कोई किसान या कारोबारी अपनी उपज लेकर आता है तो उसके माल को बोरियों में भरा जाता है और अलग गुणवत्ता वाली कमोडिटी को अलग अलग बोरियों में अलग अलग जगहों पर रख दिया जाता है और माल रखने वाला महीनों बाद भी अपनी बोरी लेकर जा सकता है। लेकिन साइलो में क्योंकि कमोडिटी खुले में रखी जाती है, इसीलिए साइलो गोदामों में रखने के लिए उपज की गुणवत्ता की एक रेंज तैयार की जाती है। साइलो के लिए बेसिकली हम लोगों ने दो ग्रेड्स डिफाइन की हुई हैं। फर्स्ट इज 1-1 एंड सेकेंड इज 2-1। 1-1 ग्रेड का मतलब है कि आपका जो भी माल है बिना डिस्काउंट का मटीरियल अगर है तो वो सीधा का सीधा 1-1 साइलो में चला जाएगा आपका, जिस पे आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, आपको आपके माल की फुल वैल्यू मिलेगी। दूसरा आपका है 2-1 ग्रेड। 2-1 ग्रेड में हमने 1-1 ग्रेड से लेकर के 2-1 ग्रेड के बीच के जितनी भी ग्रेड्स होती है 1-2, 1-3, 1-4 सबको 2-1 ग्रेड में मार्क किया है और वो सारा का सारा माल आपका 2-1 ग्रेड में जाएगा। उसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स का लिस्ट होता है जो कि एक्सचेंज की वेबसाइट से हमें जनरली प्रोवाइडेड होता है। उस पैरामीटर्स के लिस्ट पर टेस्टिंग होती है, सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं, टेस्टिंग के बाद फाइनली टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पर उनको ग्रेड इशू किया जाता है। ग्रेड इशू करके उसे आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए साइलो में भेज दिया जाता है। प्रोसेसर और मिलर के लिए साइलो से माल उठाना कई तरह से फायदेमंद है। एक तरफ तो उसे एक तरह की कमोडिटी बड़े पैमाने पर एक ही जगह मिल जाती है, वहीं दूसरी ओर
उसे बोरियों से उन्हें निकालने में होने वाली समय की बर्बादी और मजदूरों का खर्च भी बच जाता है। इन वजहों से धीरे धीरे कमोडिटी के बड़े खरीदारों में साइलो गोदाम के प्रति रुचि बढ़ रही है। अब बायर का तो बायर के में जैसे मान लीजिए एनसीरिक्स में जो ट्रॉली आ रही है वो ट्रॉली आधे घंटे के अंदर हम लोग उसको उसके गुड्स को साइलो के अंदर डाल देते हैं, तो जो बैग में आता है या उसमें आता है ट्रकों की लाइन लग रही है या अभी अनलोड नहीं हो रहा, लेबर नहीं मिली, ये सब चीज़ें बायर को यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ी। सीधी ट्रॉली आ रही है, अनलोड हो रही है, अनलोड होकर के साइलो में उसका माल जा रहा है। तो मार्केट के हिसाब से आज की तारीख में ये सारी परेशानी उससे भी बायर बच रहा। खरीदारों के साथ किसानों के लिए भी साइलो गोदाम में माल रखना फायदे का सौदा है। इसमें उसे समय की भारी बचत होती है और जहां पारंपरिक गोदामों में माल जमा कराकर भुगतान हासिल करते करते उसका पूरा दिन निकल जाता है, वहीं साइलो में उसे 2 से 3 घंटे में ही भुगतान मिल जाता है। साथ ही बोरी में पैकिंग या मंडी में बोली के दौरान हर बोरी पर होने वाले 1 से 1.5 किलो का नुकसान भी बच जाता है, जिसका सीधा फायदा उसे ज्यादा भाव हासिल करने के तौर पर होता है। पहले जब हम वहाँ पे ट्रॉली लेके आते थे तो वहाँ पे खाली करना और उसमें थोड़ा सा लग रहा था टाइम, और यहाँ पे हम 15-20 मिनट में फ्री हो जाते हैं और एक ही दिन में पेमेंट हो जाती है हमारे को, और हम 2-3 बजे तक फ्री हो जाते हैं, 3 बजे हमें पेमेंट हो जाती है। यहाँ टाइम हम आते हैं जो जल्दी 10 बजे करीब आते हैं हम, 1-1.5 बजे हम घर पर चले जाते हैं वापस चला के, जो टाइम की बहुत बचत होती है हमारे यहाँ। मंडी में जो है रात को जाते हैं फिर दूसरी रात को वापस आते हैं, 24 घंटे करीब लग जाते हैं मंडी में, और यहाँ 6-7 घंटे लगते हैं। लेकिन किसान का माल साइलो में जाएगा या नहीं ये तय होता है उसकी उपज की गुणवत्ता जांच होने के बाद, और उसी गुणवत्ता के आधार पर उसे कीमत भी मिलती है। एक बार किसान को जब वेयरहाउस के फायदे समझ में आ जाते हैं तो वो फसल यहाँ लाने से पहले ही प्राथमिक स्तर पर क्लीनिंग और ग्रेडिंग कर गुणवत्ता की बेहतर उपज ले आता है। यानी एक तरह से वेयरहाउस का तंत्र किसानों को उपज का गुणवत्ता मानक सुधारने के प्रति भी जागरूक कर रहा है। बेस्ट प्राइस तो हम ऊपर की जो भी मंडी भाव बिकता है उसकी बेस्ट प्राइस बीज की पकड़ लेते हैं। जैसे आज 1600 से 1650 मंडी पकड़ी तो 25-30 हम पकड़ लेते हैं उसको। 30 पकड़ने के बाद इसमें 1 किलो ब्रोकर है तो 15 रुपये उसका लेस कर देते हैं। काले दाने हैं तो देख लेते हैं, उसके हिसाब से प्राइस बना देते हैं। साइलो वेयरहाउस के लिए पारंपरिक गोदामों की तुलना में काफ़ी कम जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे तैयार करने के लिए बेहतर तकनीक और उन्नत ढांचा चाहिए होता है, जिसका खर्च ईंट सीमेंट से बनने वाले वेयरहाउस से निश्चित तौर पर कम होता है। इन विशेषताओं और सीमाओं के बीच इतना तो तय है कि साइलो वेयरहाउस इस उद्योग के लिए एक नवीन आगमन है और कृषि आधारित उद्योग के विकास के साथ ही इनकी प्रासंगिकता भी लगातार बढ़ने की पूरी संभावना है। कम खर्च, कम जगह, कम लेबर और कम समय, ये सारी विशेषताएं हैं वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में आई इस नई टेक्नोलॉजी की, जिसे साइलो कहते हैं। ऐसे समय में जब देश में वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री अभी रफ्तार पकड़ ही रही है, तो इन सारी विशेषताओं के कारण ये न मानने का कोई कारण नहीं है कि आने वाले दिनों में वेयरहाउसिंग का भविष्य यही साइलो है। कोटा से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।